Hey guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया. इसका नेम चेंज हुआ था जैसा कि मैंने आपको पार्ट ए में बताया था. इसका चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम से हमारा नेम हो गया है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया फॉर 2020 एंड 21 अपियरिंग बोर्ड स्टूडेंट्स. सो गाइज, हमने पार्ट ए में जाना किस तरह से कांग्रेस ने डोमिनेट किया कंट्री को, और हमने सेवरल अदर पार्टीज के बारे में जाना जिसमें हमने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जाना जो कि सेकेंड लीडिंग पार्टी थी आफ्टर कांग्रेस पार्टी. सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जिसमें से सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. इंट्रोडक्शन जनरली हम लोग पार्ट ए में देखते हैं, बट इसमें पार्ट बी में इसलिए देख रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको चैप्टर का एसेंस या फिर कोर समझ में आ जाए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. सो सबसे पहले तो हमने कांग्रेस डोमिनेंस जैसा कि पार्ट ए में देखा ही किस तरह से फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन जो हमारी कंट्री में कंडक्ट हुए उसमें कांग्रेस वॉज द लीडिंग पार्टी, और किस तरह से कोई आसपास भी नहीं था कांग्रेस पार्टी के. इवन जो सेकेंड आई थी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी वो भी बहुत कम ही सीट्स एक्वायर कर पाई थी अक्रॉस द कंट्री. सो आप नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस समझ सकते हैं. बट हमने इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी से जब कांग्रेस को कंपेयर किया तो हमने ये जाना कि किस तरह से वहाँ पे मैल फंक्शनिंग हुई थी, बूथ कैप्चरिंग हुई थी, बट यहाँ पे हमारा पॉपुलर कंसेंसस हुआ था, वोटिंग प्रॉपरली हुई थी, कोई स्कैम नहीं हुआ था, उसके बावजूद कांग्रेस ने डोमिनेट किया था विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना है कि नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस कैसा था. अथॉरिटेरियन नहीं था जिस तरह से बाकी कंट्रीज में अगर डोमिनेंस हुई है तो वहाँ पे कोई स्कैम हुआ है, बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं था. इसके बाद इंटरनल क्राइसिस हम जानेंगे कि हमारी कंट्री में कौन कौन से क्राइसिस हुए थे, लाइक जब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स बदल गए थे या फिर जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तब हमारी कंट्री को एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत थी जो कि कंट्री को उतने ही अच्छे से समझ सके या उसकी भी उतनी ही करिज्मेटिक अप्रोच हो जितनी जवाहरलाल नेहरू की थी. सो उसके बारे में हम जानेंगे. इसके अलावा रोल ऑफ इंदिरा गांधी इन कंट्रीज पॉलिटिक्स. अब हम ये सब सुन रखा है हम सब ने कि कंट्री में इमरजेंसी कौन लाया था, इंदिरा गांधी जी लाई थी, बट उन्होंने क्या रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया था कंट्री की पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, वो भी हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा. और एट लास्ट रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस. तो क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही था रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, तो इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने फिर से सत्ता में आने के लिए क्या क्या वो पॉलिसीज लाई थी, क्योंकि कांग्रेस फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन में तो डोमिनेट कर रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं कंट्री के जो सिटीजन्स थे वो इंटरेस्ट लूज कर चुके थे कांग्रेस पे, फिर उसको रिस्टोर होने के लिए एक बूस्ट कैसे मिला ये हम इस चैप्टर में जानेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमारा पहला टॉपिक है चैलेंजेस टू ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन. सक्सेशन एक चैलेंज क्यों था भाई, अगर कहीं पर राजा होता है तो उसका बेटा ही राजा बनता है, बट डेमोक्रेसी सेटअप में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डिजर्विंग होगा जिसको हम लोग वोट करेंगे वो ही बन सकता है प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री का. सो इसीलिए हमारी कंट्री में क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे, और क्योंकि अभी हम लोग न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे तो नेहरू जी के अलावा प्राइम मिनिस्टर कोई और बनता ये सोच भी नहीं सकते थे हमारी कंट्री के सिटीजन्स. तो उनकी डेथ जब 1964 में हुई तब पूरी कंट्री के पास ये क्वेश्चन ज़्यादा था कि आफ्टर नेहरू वॉट रैदर देन द क्वेश्चन आफ्टर नेहरू हु, मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि नेहरू के बिना ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था. सो इसीलिए कंट्री को एक सीरियस क्राइसिस फेस करना पड़ा, बट क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया यूनानिमसली, यूनानिमस मतलब कि एक मत, सब लोग एग्री कर गए उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी कंट्री को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया, और उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए. जो जय जवान और जय किसान का नारा हम और आप सुनते हैं वो भी किसने स्टार्ट किया था, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्टार्ट किया था. सो वो भी एक करिज्मेटिक लीडर थे, और कंट्री को ऐसी सिचुएशन से निकालने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है. कैसी सिचुएशन, पॉवर्टी स्ट्राइकिंग सिचुएशन, प्लस हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था तो उसके रिपरकशंस हमें फेस करने पड़ रहे थे, इवन ड्रॉट भी आ गया था उसी समय हमारी कंट्री में लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में. चलिए देखते हैं फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री.
So, death of Jawaharlal Nehru gave rise to a serious question after Nehru what? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया. Second, question aroused that was the question of democracy in India. अब क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक सेटअप को फॉलो करेगी या फिर हमारी कंट्री में मोनार्कियल रूल आ जाएगा या फिर हमारी कंट्री एनार्की में तब्दील हो जाएगी. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने बहुत अच्छे लीडर को चूज़ किया हमारी कंट्री ने. किसको किया? लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी प्रिविलेंट रही. इसके बाद आफ्टर नेहरू लाल बहादुर शास्त्री वॉज यूनानिमसली चोजन एज अ लीडर ऑफ कांग्रेस. शास्त्री वॉज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1964 टू 1966. अब आप सोच रहे होंगे इनका टर्म 2 ही साल का क्यों था जब ये बहुत अच्छे लीडर थे. तो इनकी डेथ हो गई थी जो कि आज भी एक मिस्ट्री है हमारे और आपके लिए. अगर आपने ताशकंद एग्रीमेंट मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से उनकी डेथ एक मिस्ट्री है और वो आज भी सॉल्व नहीं हो पाई है. तो वो एग्रीमेंट साइन करने गए थे, ताशकंद एग्रीमेंट, पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के साथ. उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी. तो वही फ्रॉम 1964 टू 1966 एंड ड्यूरिंग दिस ब्रीफ टर्म कंट्री हैज़ फेस्ड 2 मेजर चैलेंजेस. और इनके 2 साल के ही टर्म में बहुत ज़्यादा कंट्री को सफ़र करना पड़ा था. उनकी वजह से नहीं बट एज अ क्राइसिस द कंट्री हैड टू सफ़र. पहला क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि चाइना वॉर की वजह से आ गए थे. और दूसरा ड्रॉट एंड फ्लड क्राइसिस, मतलब कंट्री में सूखा पड़ने लगा था या फिर कहीं पे बाढ़ आने लगी थी. तो उसको भी एक तरह से डील करना बहुत ही मुश्किल था. इसी दौरान ये हमारा स्लोगन भी लाए थे, जय जवान जय किसान, क्योंकि उस समय के जो भी फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे. कहीं उनकी जो ज़मीन थी वो सूखी पड़ जा रही थी, कहीं पे ड्रॉट, कहीं पे फूड क्राइसिस आ रहे थे, जिसकी वजह से किसान हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कंट्री को या फिर कंट्री की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए. इसके बाद शास्त्रीज डेथ इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर होल नेशन. ही एक्सपायर्ड वाइल हिज विजिट टू USSR फॉर ताशकंद एग्रीमेंट. तो जब वो USSR गए थे, प्रेजेंट डे अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान में गए थे, तब उनकी डेथ हो गई थी. अब हम हमारा सेकेंड सब टॉपिक देखते हैं, फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी. अब जब ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान शास्त्री जी की डेथ हो गई तो फिर से कांग्रेस में एक क्वेश्चन आ गया कि अब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अब कौन कंट्री की बागडोर संभालेगा. तब फिर क्या हुआ, कांग्रेस विद इन कांग्रेस में सीक्रेट बैलॉट चला, जिसके थ्रू कांग्रेस में आपस में ही जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उन्होंने बैलेट पेपर पे साइन किया सीक्रेटली और अपने अपने वोट किए. जिसमें से सीनियर लीडर्स थे जो कांग्रेस के, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना ज़्यादा प्रेफर किया. उनको लगा ये नए हैं, इनको तो कुछ पता नहीं होगा, तो हम सीक्रेटली हम ही कंट्री को रूल करेंगे और वो उनको फ्रंट फॉरवर्ड में कर देंगे. बट ऐसा हुआ नहीं लेटर में और कांग्रेस को स्प्लिट होना पड़ा. आगे चल के वो आप चैप्टर में जानेंगे. बट अभी के लिए आप ये जानिए कि सीक्रेट बैलॉट किसके किसके बीच में हुआ था. इंदिरा गांधी और मुरारजी देसाई. मुरारजी देसाई बॉम्बे के प्रेसिडेंट, प्राइम चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे और उस समय पे कंट्री में उनका काफ़ी नाम था और दबदबा था. और इंदिरा गांधी वो तो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी ही थी और वो कंट्री को काफ़ी टाइम से सर्व कर रही थी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनकी भी जान पहचान बहुत अच्छी थी. सो उन दोनों के बीच में इलेक्शंस कंटेस्ट हुए थे. चलिए देखते हैं. आफ्टर शास्त्रीज डेथ देर वॉज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी. द कंटेस्ट वॉज रिजॉल्व थ्रू अ सीक्रेट बैलेट अमंग द कांग्रेस MPs. तो जो इन दोनों के बीच में जो कॉन्टेस्ट था, जो कॉम्पिटिशन था, वो कब एंड हुआ? जब सीक्रेट बैलॉट साइन हुआ जिसमें से इंदिरा गांधी जी जीत गई और प्राइम मिनिस्टर बन गई. बट उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के 1 साल बाद ही नेक्स्ट जनरल इलेक्शन का टाइम आ गया और उनके टाइम में कंट्री में फेमाइन भी आई थी, ड्रॉट भी पड़ा था, वॉर्स भी हमने फेस किए थे. सो जो सिचुएशन ऑफ द कंट्री वॉज वर्सनिंग. सो इंडिया बिकेम इकोनॉमिकली डिटेरियरेटेड ड्यूरिंग हर टाइम. अब कंट्री की सिचुएशन खराब हो गई. तो उसके बाद अब 4th जनरल इलेक्शन का टाइम आया. तो 4th जनरल इलेक्शन में क्या हुआ, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम जानते हैं, इलेक्शंस. तो 4th जनरल इलेक्शन में क्या हुआ था, बेसिकली
हम जानते हैं हमारे पहले टॉपिक से द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस। सो वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी वॉज टू डी वैल्यू इंडियन रूपी। अब जब जीत गई इंदिरा गांधी जी और प्राइम मिनिस्टर बन गई, तो उन्होंने जो पहला काम किया वो क्या किया, इंडियन रूपी को डी वैल्यू किया। ये ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं यूएस के प्रेशर में आके किया गया, और जिसकी वजह से जिस इंडियन रूपी की वैल्यू 5 रुपीज होती थी पर डॉलर, वो 7 रुपीज से भी ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पर। सेकेंड, द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, फूड स्कैरसिटी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। मतलब आप सिचुएशन कितनी वर्सनिंग हो सकती है ये आप देख सकते हैं। कंट्री में, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, स्कैरसिटी ऑफ फूड आ गया, मतलब फूड ही नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था क्योंकि ड्रॉट पड़ रहा था, फेमाइन आ रहा था, तो कंट्री की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्सनिंग हो गई थी और लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। इसके अलावा द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी लॉन्च द स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। अब क्योंकि रुपये की वैल्यू डी वैल्यू हो गई थी, जिसकी वजह से अनईजी हो गया था कंट्री में, रिच वर बिकमिंग रिचर एंड पुअर वर बिकमिंग पुअरर, तो जिसकी वजह से जो डिफरेंट पार्टीज थी उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। कौन कौन सी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, मतलब कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी ने आपस में संगठन बना के कांग्रेस के अपोजिशन में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द वर्स्ट हिंदू मुस्लिम राइट, और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दंगे फसाद हो रहे थे वो भी इस पीरियड में सबसे ज़्यादा हो रहे थे इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो आप सोच सकते हैं कंट्री की सिचुएशन कितनी वर्सनिंग थी। इसका सेकेंड सब टॉपिक देखेंगे, नॉन कांग्रेसिज्म। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब पूरा पूरा अपोज कर दिया है कि कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई और आ जाए, चाहे कोलिशन से ही क्यों ना हमारी गवर्नमेंट बने, बट कांग्रेस ना आ जाए सेंटर में। सो चलिए देखते हैं, द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव दिस नेम नॉन कांग्रेसिज्म। ये नाम किसने दिया था, सोशलिस्ट लीडर, बहुत फेमस लीडर हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन भी हैं राम मनोहर लोहिया, उन्होंने दिया था ये नेम। इसके अलावा द पार्टीज अपोज टू कांग्रेस रियलाइज दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट केप्ट कांग्रेस इन पावर, और फोर्थ जनरल इलेक्शन तक सारी पार्टीज ये समझ चुकी थी कि कांग्रेस को अगर हराना है तो हमें अपने आपसी वोट बांटने नहीं है, बढ़ जाते थे उसी की वजह से कांग्रेस जीत जाती थी। तो उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि अब वो लोग अपने वोट बांटेंगे नहीं, संयुक्त विधायक दल बैठाएंगे जिसमें सारी पार्टीज आपस में कोलिजन गवर्नमेंट बना के अपनी पावर में आ जाएगी। सो वही बाकी पार्टीज ने मिलकर किया थ्रू नॉन कांग्रेसिज्म। इसके अलावा अपोजिशन पार्टीज वर इन फोर्थ फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट भी करी सारी अपोजिंग पार्टीज ने मिलकर। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म कर दिए गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी अपनी पार्टी बनाए रखने में या स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करे रखने में। इसके अलावा हमारा थर्ड सब टॉपिक है इलेक्टोरल वर्डिक्ट। अब इलेक्टोरल वर्डिक्ट का क्या मतलब हुआ, मींस इलेक्शन जो कंटेस्ट हो रहे थे वो किस तरह हो रहे थे। मतलब अब ऐसा फोर्थ जनरल इलेक्शन में पहली बार ही हुआ था कि बिना जवाहरलाल नेहरू जी के इलेक्शंस हो रहे थे कांग्रेस में। सो देखते हैं, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस वाज फेसिंग इलेक्टोरेट विदाउट नेहरू। नेहरू के बिना ऐसा पहली बार हो रहा था कि कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही थी, और इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी बोला गया। क्यों, क्योंकि कांग्रेस इतनी बुरी तरह से कभी नहीं, वो जीत तो गई बट उसने काफ़ी सारे स्टेट्स में अपनी पावर नहीं या फिर अपनी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाई। कांग्रेस को इसके रिजल्ट ने, फोर्थ जनरल इलेक्शन के रिजल्ट ने हिला कर रख दिया। तो कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज जोल्टेड ड्यू टू फोर्थ जनरल इलेक्शन। क्यों, क्योंकि कांग्रेस लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी इन एज मैनी एज 7 स्टेट्स एंड इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शन प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग गवर्नमेंट। 7 स्टेट्स में वैसे ही हार गई, उसके अलावा 2 स्टेट में डिफेक्शन की वजह से हारी। डिफेक्शन क्या होता है कि जब एक पॉलिटिकल लीडर किसी सिंगल पार्टी में होता है बट वो ओवरनाइट अपनी पार्टी चेंज कर लेता है। आपने आया राम और गया राम वाला स्लोगन सुना होगा, जिसमें उन्होंने गया लाल शर्मा जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ओवरनाइट 3 से 4 बार पार्टी अपनी चेंज करी थी, उसी को बोला जाता है डिफेक्शन। तो जिसकी वजह से कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल हो गया था फोर्थ जनरल इलेक्शन में, और
मेनी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर डिस्क्राइब दिस एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक, जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसको बोला गया था क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि आप कहीं से भी रेलवे टिकट लीजिए और आप कहीं भी आपको जाना हो वहाँ पे आपको कांग्रेस के ही स्टेट्स मिलेंगे, वो इतनी अच्छी से जीतती थी। बट फोर्थ जनरल इलेक्शन के बाद सब कुछ चेंज हो गया, तख्ता पलट हो गया। नेक्स्ट सब टॉपिक देखेंगे कोलिजन। कोलिजन आप अपनी डे टू डे लाइफ में इजीली वर्ड सुनते होंगे। इसका क्या मतलब होता है? जब कोई पार्टी एक सिंगल मेजॉरिटी से अपनी सत्ता में नहीं आ पा रही है तो वो दूसरी पार्टी के साथ कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करती है और पावर में आ जाती है। सो चलिए देखते हैं। सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गॉट द मेजॉरिटी, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टी केम टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी, और हिंदी में इसको बोला जाता है संयुक्त विधायक दल। मतलब जब कोई एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं अपनी गवर्नमेंट बना पा रही है तो सारी मिलकर आपस में या फिर दो गवर्नमेंट मिलकर आपस में पार्टी बना लेंगी और वो पावर में आ जाएंगी। अब हम देखेंगे डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब क्या होता है कि जब कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जिस भी स्लोगन से या फिर सिंबल से, मान लीजिए कि मैं बीजेपी की तरफ से इलेक्ट हो गया और मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करे और मैं जीत गया उन इलेक्शंस में, तो इलेक्शन में जीतने के बाद मैंने पार्टी चेंज कर ली और मैं कांग्रेस में चला गया, सो उसी को डिफेक्शन बोला जाएगा। चलिए देखते हैं। डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हूज सिंबल ही और शी वॉज इलेक्टेड एंड ज्वाइन अनदर पार्टी। और ये काम सबसे पहले किसने किया था? गया लाल जी ने किया था, जो कि एक MLA थे हरियाणा के। इन्होंने अपनी फोर्नाइट में 3 से 4 बार पार्टी बदली थी, यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस। तो इन्होंने जब पार्टी बदली तो ये एक हंसी का विषय बन गया और इसको बोला जाने लगा आया राम गया राम। इसी से ये इसकी स्टार्टिंग हुई, आया राम और गया राम की और डिफेक्शन की, फोर्थ जनरल इलेक्शन से। सो आई होप नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस टॉपिक ऑफ फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है स्प्लिट इन द कांग्रेस। फर्स्ट सब टॉपिक है वो है इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं सिंडिकेट क्या होता है। सिंडिकेट्स वर द मोस्ट पावरफुल एंड द इन्फ्लुएंशियल लीडर्स विद इन कांग्रेस पार्टी। मतलब जो पावरफुल लीडर्स, जो के कामराज और जो डिफरेंट जो पावरफुल लीडर्स थे उस समय के, वो जो इन्फ्लुएंस करते थे सारी पॉलिसीज को जो भी कांग्रेस लेती थी, वही कहलाते थे सिंडिकेट। ये एक इनफॉर्मल टर्म है। सो इन दोनों के बीच में झगड़ा कैसे हो गया या अनईजी कैसे हो गया ये दोनों एक दूसरे के? क्योंकि भाई इंदिरा गांधी को तो सिंडिकेट ने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया था कंट्री का, और उन्होंने इस इंटेंशन से बनाया था कि ये अभी नई है, इनको कुछ पता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, तो इनडायरेक्टली रूल हमें करने को मिलेगा, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को बनाया था। बट शी वॉज अ स्मार्ट लेडी, उन्होंने सारे डिसीजन अपने मन से लिए और साइडलाइन कर दिया सिंडिकेट को। चलिए देखते हैं। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन बट फ्रॉम इट्स ओन पार्टी। इसके अलावा शी हैड टू डील विद द सिंडिकेट हु प्लेड अ रोल इन मेकिंग हर PM। उनको उनसे ही डील करना पड़ा जिन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और शी साइडलाइन द सिंडिकेट ड्यू टू विच शी फेस 2 challenges। और चूंकि उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया धीरे धीरे करके सिंडिकेट को, जिसकी वजह से इनको 2 challenges फेस करने पड़े। कौन कौन से? फर्स्ट, शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिंडिकेट। पहला तो अपने इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की उनको पावर रीगेन करनी थी, जो कि सिंडिकेट लेते आ रहे थे डिसीजंस कांग्रेस के पार्टी के लिए स्टार्टिंग से। सेकंड, शी नीडेड टू रीगेन ऑन द ग्राउंड दैट कांग्रेस हैज लॉस्ट इन 1967 इलेक्शंस। और वो उनको वो सब भी ग्राउंड्स कवर करने थे और उस पर गलती ना हो ये देखना था दोबारा, जिन ग्राउंड्स पे गलतियां हुई थी फोर्थ जनरल इलेक्शन में और कांग्रेस को डिफीट हुई थी कई स्टेट्स में। इसके बाद शी इनिशिएटेड द सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स, सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, लैंड सीलिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फूड्स एक्सेट्रा। इतनी सारी उन्होंने पॉलिसीज ली थी कंट्री में ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, वो भी एक ऐसी करिज्मेटिक अप्रोच दिखा पाए कंट्री को जैसी जवाहरलाल नेहरू जी की
थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की थी। सो इस वजह से इन दोनों के बीच में आपस में बनी नहीं कांग्रेस और सिंडिकेट के बीच में। अब हमारा सेकेंड सब टॉपिक देखेंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 की बात होगी हमारे इस टॉपिक में, जिसमें कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था। हाँ, कांग्रेस दो पार्टीज में डिवाइड हो गई थी, एक बन गई थी कांग्रेस ओ और एक बन गई थी कांग्रेस आर। ये ओ और आर क्या है ये हम हमारे इस टॉपिक में जानते हैं। सो द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम टू इन ओपन इन 1969। तो जो राइवलरी हो रही थी इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में वो पहले से ही थी, बट ओपन में कब आई, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 1969 में, फॉलोइंग द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन। उस समय के प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन साहब थे और उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद एक साल तक प्रेसिडेंट की जो कुर्सी थी वो खाली थी। तो ये डिसाइड हो रहा था कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अब जो सिंडिकेट थे वो चाहते थे कि एन संजीवा रेड्डी बन जाए प्रेसिडेंट, बट इंदिरा गांधी क्या चाहती थी कि वीवी गिरी जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे वही प्रेसिडेंट बने। इस वजह से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज चल रहे थे कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच में, और या फिर हम बोल सकते हैं सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में। इसके बाद इंदिरा गांधी वॉन्टेड वीवी गिरी टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, बट सिंडिकेट मैनेज्ड टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम ओपोनेंट इन लोकसभा एन संजीवा रेड्डी। और एन संजीवा रेड्डी जो थी वो ओपोनेंट भी थी इंदिरा गांधी की लॉन्ग टर्म से लेकर लोकसभा में, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि वो प्रेसिडेंट बने। इसके बाद शी ऑल्सो अनाउंस सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसीज मेजर्स लाइक एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्स एंड नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स। और यही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान ही इंदिरा गांधी ने दो बड़े फैसले भी लिए। कौन कौन से? पहला, एबोल्यूशन ऑफ प्रिवी पर्स। ये प्रिवी पर्स क्या है? अब आपने चैप्टर वन में देखा कि किस तरह से इंटीग्रेशन हो गया था प्रिंसली स्टेट का, किस तरह से कंसोलिडेट कर दिए गए थे और इंडिया में मर्ज कर दिए गए थे। सो उस समय के राजा महाराजा कैसे मानेंगे, इसलिए उनको प्रिवी पर्स दिया गया था, मतलब एक स्पेशल ग्रांट कि आप अपना रेवेन्यू का कुछ पार्ट रख सकते हैं और वो जिस राजसी ठाट के साथ पहले रहते थे वैसे ही रह सकते हैं, मींस महलों में रह सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और ये सब। बट जब एबोल्यूशन ऑफ टाइटल हो गया था हमारी कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, तो इसका प्रिवी पर्स एक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया शो कर रहा था, जिसकी वजह से इसे हटाना मैंडेटरी था। तो क्योंकि सारे प्रिंसेस नाखुश थे इंदिरा गांधी से, बट स्टिल इन्होंने प्रिवी पर्स को हटा दिया, जिसकी वजह से जो स्पेशल ग्रांट मिलता था या जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था प्रिंसेस को वो नहीं मिलेगा अब। इसके अलावा जो सेकेंड इन्होंने डिसीजन लिया वो क्या लिया, इन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स, जो 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स थी उस समय की, उसको नेशनलाइज कर दिया, मींस गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया, गवर्नमेंट इनहेरिट हो गया वो। सो ये दोनों बड़े फैसले लिए गए इसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान। इसके अलावा द कांग्रेस पार्टी गॉट स्प्लिट बाय नवंबर 1969, द कांग्रेस लेड बाय सिंडिकेट केम टू बी रेफर्ड एज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंडिकेट क्योंकि इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, पुराने लीडर्स थे कांग्रेस के, तो उसको बोला गया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले से ही अवेलेबल थे कांग्रेस पार्टी में। और जो इंदिरा गांधी को के फेवर में थे, जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे, उनको बोला गया कांग्रेस रिक्वेस्टनिस्ट, मींस ये जो नए पार्टी मेंबर्स थे या जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे पार्टी में। सो इस तरह से कांग्रेस स्प्लिट हो गई और जो पुरानी कांग्रेस थी उसको ओल्ड कांग्रेस बोला जाने लगा और जो नई कांग्रेस थी उसको न्यू कांग्रेस बोला जाने लगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। गाइज आई नो दिस वीडियो माइट बी अ लिटिल लॉन्गर, मैं यूजुअली इतने लंबे वीडियोज नहीं बनाता, बट आपका समझना जरूरी है, वीडियो अगर लंबा हो रहा है दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। सो आप समझ रहे हो, बस यही बहुत है मेरे लिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिसंबर 1970 इंदिरा गांधी डिसॉल्व्ड द लोकसभा विच वॉज अनादर बोल्ड मूव। अब क्या हुआ कि जब कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर स्प्लिट हो गई आपस में,
तो दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने डिसॉल्व कर दिया लोकसभा को, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे जब लोकसभा डिसॉल्व हो गया है, तो 1971 में ही इलेक्शन कंटेस्ट कराने पड़े। सो दिस लेड टू द फिफ्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन फेब्रवरी 1971, और लास्ट हमने इलेक्शन देखे थे 1967 में हुए थे, और टोटल टर्म कितना होता है 5 साल का, बट यहाँ पे टर्म कम है। क्यों? क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे इसका पहला सब टॉपिक द कंटेस्ट, मींस जो कंपटीशन चल रहा था कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर और डिफरेंट पार्टीज के बीच में। द अपोजिशन पार्टी केम अंडर द सेम अम्ब्रेला बाय फॉर्मिंग अलायंसेस टू मेक कांग्रेस आर मोर वीक। विद इन कांग्रेस जो स्प्लिट हुआ था उसकी वजह से ये माना जा रहा था कि इंदिरा गांधी को एक्सपीरियंस भी नहीं है, अभी ये नई है, और जो पुरानी जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है या फिर उन्होंने नई कांग्रेस बना ली, कांग्रेस ओ, तो इसकी वजह से कांग्रेस बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी 1971 के इलेक्शंस के दौरान। इसके अलावा येट द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इज इट्स बिग अपोनेंट लैग्ड, इट हैड एन इशू, एन एजेंडा एंड अ पॉजिटिव स्लोगन, बट इतना वीक होने के बावजूद भी उसके पास कुछ ऐसा था जो उसके बड़े बड़े ओपोनेंट्स के पास भी नहीं था, और वो क्या था, एक इशू कंट्री के लिए कुछ कर दिखाने का, एक पॉजिटिव स्लोगन और एक एजेंडा। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी ओपोजिशन पार्टीज थी उनका एक ही स्लोगन, एक ही एजेंडा था कि इंदिरा हटाओ, बट जो इंदिरा गांधी थी या फिर जो उनकी पार्टी थी कांग्रेस आर रिक्वेस्टनिस्ट, उनका क्या एजेंडा था कि गरीबी हटाओ। ये इतना पॉजिटिव स्लोगन था कि उस समय के जितने भी गरीब और जो किसान तबके के लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए इस स्लोगन से। उनको लगा कि इंदिरा गांधी सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही हैं उनको और वो गरीबी हटा देंगी कंट्री से, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा फेवर मिला कांग्रेस को। चलिए देखते हैं। इंदिरा गांधी सेड दैट अपोजिशन अलायंस हैड वन कॉमन प्रोग्राम इंदिरा हटाओ, व्हाइल द कांग्रेस रिक्वेस्टनिस्ट इन कंट्रास्ट शी पुट फॉरवर्ड अ स्लोगन गरीबी हटाओ, जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत ज्यादा, न्यू कांग्रेस को बहुत ज्यादा फेवर मिला। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस सब टॉपिक। सो द आउटकम एंड आफ्टर मीन्स, चलिए जानते हैं। द रिजल्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 एस्टोनिश्ड एवरीबडी। अब हमने देखा किस तरह से ग्रैंड अलायंस फॉर्म हुई थी कांग्रेस के अगेंस्ट में, सारी अपोजिशन पार्टी सेम अम्ब्रेला के अंडर आ गई थी और उन्होंने ठान लिया था कि हम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे या उनको हराएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के पास एक पॉजिटिव स्लोगन था एंड लीडिंग टू विच शी वॉन ऑल द इलेक्शन, या शी स्वाइप द सेंट्रल लेवल इलेक्शंस। देखते हैं, कांग्रेस आर एंड सीपीआई अलायंस वॉन मोर सीट्स देन एवर, और जितनी आज तक कांग्रेस ने फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन या फोर्थ जनरल इलेक्शन में जीती थी उससे ज़्यादा फिफ्थ जनरल इलेक्शन में इन्होंने जीत ली थी। मतलब आज तक कांग्रेस की इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं हुई थी डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ मल्टी पार्टी लीडर्स हु वर इन अपोजिशन ऑफ कांग्रेस। इसके बाद देखेंगे, विद दिस विक्ट्री इट वॉज क्लेम दैट कांग्रेस आर, यानी कांग्रेस रिक्वेस्टनिस्ट यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, इज द रियल कांग्रेस एंड ग्रैंड अलायंस वॉज प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर। मीन्स इसके बाद इन फिफ्थ जनरल इलेक्शन में ऐसा माना जाने लगा कि जो कांग्रेस आर थे यानी जो न्यू कांग्रेस थी इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस थी वही असली कांग्रेस थी और वही ओरिजिनल कांग्रेस थी, बाकी जो ग्रैंड अलायंस फॉर्म हुई थी उसको ग्रैंड फेलियर डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा सून आफ्टर 1971 बांग्लादेश क्राइसिस ऑकर्ड विच एडेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी, और उसी के बाद 1971 में ही बांग्लादेश क्राइसिस हुआ जिसकी वजह से हम लोग ने ईस्ट पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश बनवाया, हमारे इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुआ जिसमें हम जीते, तो उसकी वजह से पॉपुलैरिटी और ज़्यादा गेन हो गई इंदिरा गांधी की, ऐसा माना जाने लगा कि ये एक ट्रू नेशनलिस्ट हैं। सो शी वॉज सीन नॉट ओनली एज अ प्रोटेक्टर ऑफ पुअर डाउन ट्रॉडन एंड अंडर प्रिविलेज बट ऑल्सो एज द स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर, उनको स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर देखा जाने लगा कंट्री में, और
Congress are requisitionist also won state assembly election in 1972 और जिसकी वजह से स्टेट असेंबली इलेक्शन 1972 में हुए वो भी किसने जीते, कांग्रेस आर ने जीत लिए और कांग्रेस को ऐसा माने जाने लगा कि कांग्रेस की डोमिनेंस रीस्टोर हो गई है। सो गाइज इसी के साथ हमने आज का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं होगी, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार बुक रीड कर लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। सो चलिए अब हम आपके फेवरेट पार्ट की तरफ आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। डिफाइन द आउटकम ऑफ 1971 लोकसभा इलेक्शंस। सेकंड, आफ्टर विच जनरल इलेक्शन डज द कांग्रेस लॉस इट्स डोमिनेंस एंड व्हाई। थर्ड, व्हाट आर द व्हाई द रिजल्ट्स ऑफ 1967 इलेक्शन वर टर्म्ड एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक। फोर्थ, reasons for the victory of Indira Gandhi in 5th Lok Sabha general elections, and last, explain the concept of Ayaram and Gayaram. So guys, I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, and if you like this video, give this video a big thumbs up, and also don't forget to subscribe my channel. और यार अपने दोस्तों के साथ भी share करो ताकि उनका भी कुछ benefit हो पाए। So मिलते हैं next video में।